हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा पोको फ़ोन है तो पोको फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है तो होम स्क्रीन लेआउट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने पोको फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन लेआउट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन होंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है तो होम स्क्रीन लेआउट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने पोको X5 5G फ़ोन में। तो सिंपली फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा होम स्क्रीन का। तो होम स्क्रीन पे जाना है, होम स्क्रीन पे जाकर होम स्क्रीन लेआउट पे चले जाना है। तो होम स्क्रीन लेआउट को ओपन करेंगे तो जो भी आपके पास ये ऑप्शन आता है लेआउट्स वगैरह दिखते हैं 5.6 एंड 4.6, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप लेआउट को यहाँ से यूज सेट कर सकते हैं, लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकते हैं। लेआउट आपके फ़ोन में लॉक हो जाएगा, जिसका आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉकेड हो चुका है, और अनलॉक के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं पोको फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर। और आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो आप फ़ोन को सर्च करके भी सेटिंग्स पर जा सकते हैं। आपको सर्च करना होम स्क्रीन लेआउट, तो होम स्क्रीन लेआउट सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं लेआउट को, और अनलॉक भी कर सकते हैं। लॉक कर देंगे तो आप लेआउट वगैरह को यूज़ नहीं कर पाएंगे, चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं और आपके फ़ोन में भी शो नहीं करेगा। और इसको ऑन ऑफ कर देंगे तो जो लेआउट वगैरह आपके फ़ोन में अनलॉक हो जाएंगे, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं पोको फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।